सिर्फ मैं हूँ और मेरी बाइक। अब इधर कोई रास्ता कहाँ कहाँ जा रहा है मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या यार, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मैं पूछ लूँ। हे गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ। खैर अभी तो मुझे चाय पानी मैंने खा भी लिया। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 8 हो रहे हैं, मौसम बहुत ही गजब है, चाय पानी सब कुछ हो गया और खैर आज भी पढ़ाई वढ़ाई करनी है और बहुत कुछ करना है। इट इज़ द फुल डे ब्लॉग, तो चलिए देखते हैं। मम्मी को एक गांव में छोड़ने जाना है बनकटी, वहां पर टीकाकरण है तो मम्मी की ड्यूटी लगी है समझो। मम्मी जा रही है बनकटी गांव में, एक गांव है, चलो। और मुझे दुकान पर आना पड़ रहा है, मुझे को पता ही नहीं था कि मुझे दुकान आना पड़ेगा, तो पहले दुकान खोल लेते हैं हम। और अभी 11 बज रहा है, दुकान पर मैं बैठा हुआ हूँ और पापा गए हैं मम्मी को एक गांव में छोड़ने, वहाँ पर थोड़ा टीकाकरण का काम है तो मम्मी की ड्यूटी लगी है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पता नहीं कब पापा आएंगे, कब जाएंगे घर। हम समोसा मटर मैंने सामने की दुकान से मंगवाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यार। अभी जा रहा हूँ घर, पापा भी आ गए, घर पे आ चुका हूँ। घर पे आते ही भूख लगी थी तो खाना खाने जा रहा हूँ मैं। थाली में मैंने सब निकाल लिया, ये कद्दू चने की सब्जी, चावल, दाल, रोटी। अभी मैं अपनी क्लास में हूँ जहाँ पर मैं हमेशा पढ़ता हूँ, जा रहा हूँ केमिस्ट्री पढ़ने। और गाइस अभी 2 बज रहे हैं, नींद लग गई यार, पढ़ते पढ़ते नींद लग गई। खैर भी जा रहा हूँ मम्मी को लाने, फिर इसके बाद नहाना है। मैं किसी गांव में है जिसका नाम बनकटी है, उसका मैं रास्ता नहीं जानता, थोड़ा बहुत पता है बट बनकटी के अंदर कहाँ होंगी मम्मी ये नहीं पता, तो देखते हैं मिल ही जाएंगी। तो जा रहा हूँ मम्मी को लाने, कोई गांव है ये और यही रास्ता है शायद, यही जाता है। मतलब हमारा गांव एकदम मार्केट एरिया में है, ये सब एकदम गांव ऐसी एरिया में है जहाँ ज़्यादा दूर दूर तक दुकान ही नहीं है। तो भाई बस रास्ता सही हो यार, मेरे को रास्ता नहीं पता, जाते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। खैर अगल बगल तो सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं, अगल बगल बस खेत ही खेत है। अब ये शायद गांव में के अंदर ही गया है रास्ता। गाइस ये मैं कहाँ आ गया यार, ये मतलब ये इधर नाला वाला है बड़ा सा, भाई ये क्या है, मतलब गांव कहाँ गया, ये मैं कहाँ आ गया भाई, कहाँ आ गया, मतलब इधर रास्ता, इधर देखो इधर कैसे बनाए हुए, उधर से क्रॉस करने के लिए सीधा, मतलब ये बाइक तो नहीं जाएगी, मतलब कहाँ जाऊँ मैं। अबे हर तरफ रास्ते ही रास्ते हैं भाई, यही हुआ कि ये मैं कहाँ आ गया, इतनी दूर दूर तक सिर्फ मैं हूँ और मेरी बाइक। तो जिस रास्ते से आया था ना उसी रास्ते को रिपीट करते मैं दोबारा चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब इधर कोई रास्ता कहाँ कहाँ जा रहा है मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या यार, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मैं पूछ लूँ। उसमें कोई सोया है, उसमें कोई है भी नहीं, नहीं कोई नहीं है। तो इधर एक पुल था जिससे मैं मुड़ के आया था, अरे बाप रे पुल कितना दूर है भाई, वहाँ है पुल। और इस एरिया में मैं कभी भी नहीं आया जहाँ चारों तरफ खेत है यार, बढ़िया लग रहा है गाइस। इस जगह पर तो मैं कभी नहीं आया, हाँ उधर एक गांव है शायद वही गांव है, और इधर बस आसपास देखोगे खेत ही खेत दिख रहा है और इसमें पानी भी भरा हुआ है। बाइक से मैं जा रहा हूँ और ये पुल आ गया, यही मुड़ना है, यही पुल से मैं आया था, वो कुत्ता निकला पानी में से, दो दो कुत्ते। ये लो भाई ये गांव में रास्ता गया है, तो यही जाना है मुझको, यही गांव है शायद, ये गांव आ गया बनकटी, यहीं पर होंगी मम्मी। हाँ पर मम्मी बैठी हुई थी और मैं बस रास्ता गलत मुड़ गया था गलती से, चलो मम्मी। ये पहुँच चुके हैं, रास्ता गलत हो गया था। एंड गाइस फिलहाल तो पहुँच गए किसी तरह मम्मी को लेके, गए थे दूसरे रास्ते से, आए हैं दूसरे रास्ते से, और अभी तो जा रहा हूँ मैं नहाने। म्याऊ भी कहीं जा रही है, कहाँ जा रही हो म्याऊ, हेलो कहाँ जा रही हो, आए ये कहाँ जा रही है गाइस, अरे इस ये पागल वागल है क्या, इसके अंदर के ये बैठने, मतलब क्या सोच के यहाँ बैठी है ये क्या, हेलो दिख सकता है हमको, अच्छा बैठ जाओ गर्मी लगेगी यहाँ पे, इसमें बैठी है उसको लगता है कोई देख नहीं सकता, इसको देखो चाहे ये देखो, ये धूप से बचने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन फिर भी इसको धूप तो लगेगी ना। अब गई कहीं अलग, अब कहाँ जाओगी, वह उस साइड में गई बैठने, अभी उसके अंदर घुसेगी, बैठ जा
हो? फ्लावर्स के बीच में गई, फूलों के बीच में, यहाँ पे बैठेगी क्या? बैठो, मैं आऊँ। बैठ जाओ, आराम करो। हाँ ये सही है, ये जगह सही है, बढ़िया बढ़िया ये सही है। तो ये तो खैर आराम कर रही है और हम जा रहे हैं नहाने। बाय बाय, जा रहे हैं हम। गए 4:30 बज रहे हैं, नहा के आ चुके हैं और चाय पापड़ खा रहे हैं हम। फिर से मेरे को पढ़ना है। एक पंखा ऑन कर दूं और एक लाइट ऑन कर दूं। यहाँ पर कल मैंने ना बटन लगा दिया था यार, बार बार इसको ऑन ऑफ करने का झंझट ख़त्म हो। गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लाइव यूट्यूब पर। एकदम तैयारियाँ सारी हो चुकी हैं, बस एक बटन दबाऊँगा और लाइव हो जाएगा। तो अभी बजने वाले हैं 11:00 और पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। अब पढ़ना है जब तक मन करेगा। वैसे अभी तक पढ़ाई चल रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर मैं, और जब तक भी पढ़ पाऊँगा तब तक पढ़ूँगा मैं। तो बस इसके बाद वीडियो एडिट करके सो जाना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना। टाइम पर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, जस्ट टेक केयर।